बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियंस। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीक की कैलकुलेशंस और टैरो कार्ड रीडिंग के साथ मैं उनसा शाह आपकी खदमत में हाजिर होंगी। उम्मीद है आपका ये रमज़ान जो है वो बहुत अच्छा गुजर रहा होगा, आपकी इबादतें हो रही होंगी और रफ्तारियाँ और सहरी भी बन रही होगी। तो मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। तो चलते हैं इस वीक की कैलकुलेशंस की तरफ। वीक स्टार्ट हो रहा है 19 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल, और इस बीच में क्या आपको वजीफ़ा क्या पढ़ना है, सक्का क्या देना है, जेमस्टोन भी आपको रिकमेंड करूंगी आपके जोडियक साइन के मुताबिक। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। तो स्कॉर्पियंस, इस वीक आपके प्लैनेट्स की पोजीशन है, मर्करी जो है वो लियो में ट्रांजिट कर रहा है और मून जो है वो टॉरस में ट्रांजिट कर रहा है। मर्करी और मून का जो कॉम्बिनेशन है वो हर 3 साल के बाद आता है आपके जायचे में, और ये टाइम पीरियड, ये वीक जो है आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। बहुत सारी उलझने जो हैं वो सुलझना शुरू हो जाएंगी, आपके माइंड में बहुत सारी जो कन्फ्यूजन्स हैं वो कन्फ्यूजन्स दूर होती हुई नज़र आ रही हैं इन दो प्लैनेट्स की वजह से, और आपके इमोशंस में आपको कंट्रोल होगा, बैलेंस रहेगा। गुस्सा हालांकि थोड़ा ज़्यादा आ सकता है तो उसको आपने कंट्रोल करना है। एंगर बिल्कुल भी आपने किसी और को इस चीज़ से नुकसान ना पहुँचे और ना ही खुद को पहुँचे। तो स्कॉर्पियंस आपको जो है उसके साथ साथ जो है आपको, अगर आप लोग कुछ स्कॉर्पियंस जो कंस्ट्रक्शन की फील्ड में हैं या प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, ये वक्त उनके लिए बहुत ज़बरदस्त है। आप जिस काम में भी इंशाल्लाह हाथ डालेंगे वो जो है उसमें आपको बरकत होगी। रिलेशनशिप अगर आप शुरू किसी के साथ करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा मौका है, आपका रिलेशनशिप कामयाबियों की तरफ जाता हुआ मुझे नज़र आ रहा है अगर इस वीक में आप शुरू करते हैं, या अगर इस वीक में शादी का कोई प्लान है तो भी ज़बरदस्त रहेगा। स्कॉर्पियंस के जो कार्ड्स हैं उसमें मुझे ये नज़र आ रहा है कि कुछ ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में शामिल होने की कोशिश करेंगे या आपके कारोबार में शामिल होने की कोशिश करेंगे जो फ्रॉड होंगे, झूठे होंगे और फेक प्रॉमिसेस करेंगे। तो ऐसे लोग डिप्लोमेटिक होंगे, ऊपर से सामने से तो बहुत स्वीट बनकर आएंगे लेकिन अंदर से वो लोग जो हैं वो फ्रॉड होंगे। तो आपने ऐसे लोगों से खबरदार रहना है, केयरफुल रहना है। ये जो वीक है एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये हफ्ता जो है आप कोई कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए ये जो वीक है वो बेस्ट वीक मैं इसको कहूँगी। अच्छा स्कॉर्पियंस, आप लोग जो इस हफ्ते आपने करना है लाल चीज़ों का सक्का दे सकते हैं। लाल कपड़ा हो गया, लाल दाल हो गई, गोश्त हो गया, कोई भी एक चीज़ का सक्का दे सकते हैं। उसके साथ साथ आपने जो है सूरह मुज़म्मिल 3 बार रोज़ाना इसका विर्द करना है, अवल व आखिर दुरूद पाक के साथ। और जैसे कि रमज़ानुल मुबारक का मंथ है तो जो भी आप इबादत करेंगे, वजीफ़ा पढ़ेंगे या नेकी करेंगे या सदका देंगे उसका जो अजर है आपको 2 गुना होकर यानी कि डबल होकर मिलेगा। तो ज़रूर इस महीने में सदकात और जो कुरान पाक की तिलावत है और आप ज़रूर उसको किया करें, और स्पेशली जो मैं आपको बताती हूँ आपकी कैलकुलेशंस के हिसाब से वो ज़रूर उसको कीजिएगा। अच्छा जेमस्टोन जो वही सेम रहेंगे स्कॉर्पियंस आप लोगों के लिए, ओपल और वाइट पर्ल, इन दोनों में से कोई भी एक जेमस्टोन आप वेयर कर सकते हैं, आप पहन सकते हैं। इन दोनों में से कोई भी एक, इस दोनों के असरात जो हैं वो सेम हैं आपकी पर्सनालिटी पे, आपके कामों पे, आपके ओवरऑल जो है ऑरा पे इसका इफेक्ट बहुत पॉजिटिव पड़ेगा और आपकी पर्सनालिटी को ये और ज़्यादा जो है स्ट्रेंथ देगा। तो वेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा और ये थी कुछ इस हफ्ते की जनरल कैलकुलेशंस। पर्सनली अगर आपको मुझसे कुछ
पूछना है, शेयर करना है, कोई मसला डिस्कस करना है, बर्थ चार्ट बनवाना है, टैरो कार्ड रीडिंग करवानी है, नंबर मेरा स्क्रीन पर आपके लिए अवेलेबल है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इसके साथ मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी और बहुत सारी कैलकुलेशंस के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।